नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे किस तरह से लगाते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस पे है या फिर अगर हम कोई ब्लॉग के ऊपर यानी कि ब्लॉगर के ऊपर भी अगर कोई वेबसाइट बना के रखी है तो उस पर भी हम जो है हमारे प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से कोड जनरेट करते हैं और कहाँ पे किस तरह से पेस्ट करके उनको अपडेट हमारी वेबसाइट पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर नए रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहे, उसका क्या कारण है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है, ये 5 मई 2018 के बाद जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट नहीं करना चाहता, एसोसिएशन प्रोग्राम के साथ में नहीं जाना चाहता है, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि एफिलिएट ये का जो भी अभी फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट के साथ जो है इसकी डील हुई है। तो वॉलमार्ट का जितने भी अगर एफिलिएट प्रोग्राम की बात करें तो पहले फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या होता था कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते थे आपका ऑटो अप्रूवल हो जाता था, लेकिन अगर वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट में जो है आपका मैन्युअली रिव्यू किया जाता है, उसके बाद आपको अप्रूवल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट की भी कुछ पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि वॉलमार्ट के ज़्यादा शेयर्स हैं तो इसी वजह से जो है अभी दोनों का जो मिक्स मैच जो है अभी हो रहा है, नई पॉलिसीज रेडी हो रही हैं इंडिया के लिए, तो अभी वो रेडी होने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये रजिस्ट्रेशन चालू नहीं होते हैं आप अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से अपना एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हमारे वेबसाइट पे किस तरह से कोड जनरेट करते हैं, उसके लिए हमने जो है यहाँ पे अमेज़ॉन के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो अमेज़ॉन के अंदर लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो भी डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, एक तो है प्रोडक्ट लिंकिंग यानी कि उसके बैनर्स वगैरह के साथ कर सकते हो, या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को आपको अटैच करना है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये पहले हम जो है प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो ये है प्रोडक्ट पे हमने क्लिक करना है अमेज़ॉन के ऊपर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो है सर्च क्राइटेरिया में हमारा जो भी प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं उसको हमें सर्च करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल क्लिक एंटर करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं, गो करने के बाद जो है हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल जो अभी लिस्टेड हैं उनकी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। तो हम जो है सपोज कर लेते हैं ये रेडमी रियलमी का जो प्रोडक्ट है फ़ोन है, इस पर गेट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम जो है इसके कलर कोड जैसे कि बैकग्राउंड कलर ये आप देख पा रहे हैं, तो ये वाइट है तो आप इसको चेंज करके तो कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम जो है इसको वाइट ही रहने देते हैं, तो FFF ही रहने देते हैं। तो ये हमारा वाइट कलर हो गया, एक सेकेंड, हैश 1 2 3 4 5 6 बार F कर देंगे तो ये वाइट कलर हो जाता है, ठीक है। अब इसका टाइटल का जो कलर है ये जो लिख के आ रहा है इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे प्राइस का कलर जो है ये जो प्राइस है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट में रहने देना चाहते हैं तो आप यहाँ से एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे पहला है टेक्स्ट ओनली, तो टेक्स्ट ओनली पे जो है आपका इस तरह के ये सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा तो आपको ये कोड जो है कॉपी करने पड़ेंगे। अगर आप इमेज ओनली पे जाएंगे तो आपको सिर्फ इमेज दिखाई देगी तो आपको ये कोड कॉपी करने पड़ेंगे, या फिर आप कोई स्पेसिफिक साइज में जाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड शो का नाम है वो आप इसका टाइटल का नाम चेंज कर सकते हैं, लिख देते हैं हम रियलमी मोबाइल लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसका साइज जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। आप साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इसको जो है सेव एंड गेट कोड कर सकते हैं, तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग ये कोड यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको टेक्स्ट एंड इमेज के साथ ही यहाँ पे ये जो ऐड है इस तरह का हम देख लेते हैं, इसमें जो है हमें ये कोड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पे इसको
क्या करना है, कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर आपकी अगर फाइल वेबसाइट बनी हुई है तो उसमें किस तरह से डालना है। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट हमने पहले से यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है एनजेड मार्ट के ऊपर। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो आप रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे गूगल की एड लगी हुई है, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट वगैरह आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया लिंक है इसके ऊपर साइड पे यहाँ पे ये वाला जो हमने प्रोडक्ट किया है सेलेक्ट, ये वाला बैनर आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा, अपीयरेंस के ऊपर जाके हमें यहाँ पे विजेट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे हम विजेट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इसका बैकएंड है, जो हमारी ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है इसका बैकएंड हमारे सामने इस तरह से खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है साइड बार है, ठीक है, ये सोशल काउंटर देख सकते हैं आप, सोशल काउंटर है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक एड ब्लॉक टाइटल है और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट है। सो हम चाहते हैं कि ये जो सोशल आइकन्स है इसके ऊपर साइड पे हम ये वाली जो एड है उसको लगाएं। तो इसको लगाने के लिए हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें क्योंकि ये जो है HTML कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है HTML कोड है। तो हमें क्या करना है, इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम HTML का एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सोशल के ऊपर साइड पे इसको छोड़ देंगे। हमें टाइटल का कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है यहाँ पे वो जो कोड हमने कॉपी किए थे उसको पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये सेव होगा, आप देख सकते हैं सेव हो चुका है, ठीक है। अभी इसको अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोड है यहाँ का, ये जो बैनर दिख रहा है वो हमें यहाँ पे दिखने लग गया है। तो यहाँ पर भी अगर कोई क्लिक करेगा तो वापस से वो कहाँ पे जाएगा, हमारा लिंक के द्वारा जो भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था उस पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कोई भी बाय करेगा तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा। तो ये है वर्डप्रेस के अंदर आपका प्रोडक्ट का सेम चीज़ जो है आपको बैनर्स के लिए करनी है। बैनर्स में भी आप यहाँ पे बैनर पे क्लिक करेंगे तो बैनर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अलग अलग साइजेस मिलते हैं। यहाँ पे 300x250 है, 728x90 है, 160x600 है, 300x600 है। तो जो भी चाहिए हमें 300x250 वाला लेना है तो हमारे सामने ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिए कोड, ठीक है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और वापस से बैक पे जाते हैं। यहाँ पे जो हमने एक फ्रेम बनाया था इसको जो है वापस से हम चेंज कर देते हैं और हमारे नए कोड डाल के यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो अभी सेव करने के बाद अगर मैं इस पेज को, अभी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो रिफ्रेश करके अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास जो है अमेज़ॉन का यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है इस चीज़ को अपडेट होने में, तो ठीक है, आप उसी हिसाब से आपको बैनर कोड्स वगैरह जनरेट होने में थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है, जैसे कि गूगल की एड है उसमें टाइम लग जाता है, सेम चीज़ जो है इसमें भी टाइम कई बार लग जाता है। तो आपको बस यहाँ पे जो है इस तरह से आपको पेस्ट करने हैं, पेस्ट करके आपको सेव करना है। आपको बता दूं यहाँ पे अगर आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे आएगा तो हम ऊपर यहाँ पे एड्स लिख के इसको सेव कर देता हूँ, तो ये जो एड्स टाइटल है ये जरूर हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सेव हो चुका है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे एड्स लिखा था तो यहाँ पे एड्स यानी कि उसका टाइटल जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर में ये भी अपडेट हो जाएगा और अपडेट होके हमारे पास यहाँ के अमेज़ॉन के जो भी यहाँ पे डील्स वगैरह चल रही हैं वो हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया वर्डप्रेस की बात। अब सेम चीज़ जो अगर हमें कहाँ पे क्या करनी है, हमारे अगर ब्लॉगर के अंदर हमारी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसके अंदर अगर हमें लगानी है, तो चलिए पहले प्रोडक्ट पे चल के हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बुक्स ही ले लेते हैं। बुक्स लेके यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी ये पावर ऑफ माइंड की जो है इसको गेट लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये गेट लिंक पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, जैसा भी हम चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और ये ब्लॉगर है हमारा, ये जो है फ्रंट साइड इसका देखने को आपको दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ये हम साइड पैनल पे लगाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बैक एंड बैक पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लेआउट का ऑप्शन होता है। लेआउट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड पे अगर हमें कुछ लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें HTML / JavaScript वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको एड्स लिख देते हैं टाइटल में, और हम यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेव, सेव अरेंजमेंट्स को सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्स लिखा हुआ गया और ये हमारा बैनर जो है यहाँ पे लग गया है। तो ब्लॉगर के अंदर भी उतना ही आसान है लगाना है जितना आसान कि वहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर था। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पर भी अगर अलग अलग साइज वगैरह चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बैनर्स वगैरह अगर हमें लगाने हैं तो हम बैनर्स लगा सकते हैं। तो साइज जो है यहाँ पे हम जो है अभी 700x90 का जो साइज है ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो एड हेयर लिखा हुआ है इसकी जगह पे यहाँ पे ऐड लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है तो हम देख लेते हैं। तो ये हम बैक पैनल पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू के ऊपर साइड में यहाँ पे लिखा है हेडर राइट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम क्लिक करेंगे एडिट पे, तो हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है अभी ऐड हेयर लिखा हुआ है जो कि ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको ऐड को लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो Amazon की जो भी ऐड है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना इमिडिएटली आ गया है। तो ये ऐड हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई है, तो इसके ज़रिए भी हमारा ट्रैफिक आता है। तो ये बहुत ही आसान है कि हम जो बैनर्स वगैरह लगाना चाहते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स को हमारी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो ये हम एज अ ऐड हमारी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड लगा के दिखाया मैंने आपको। तो इसी बहुत आसानी से जो है आप कोड जनरेट करके इस पे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है प्रोडक्ट्स को जो है अपने खुद की वेबसाइट पे लगाना, चाहे वो वर्डप्रेस के अंदर बनी है या फिर ब्लॉगर के अंदर बनी है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इस तरीके से आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए जो है अगर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं तो गारंटी देता हूं कि जितने लोग यहां पे क्लिक करेंगे उतना आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप गूगल के एड्स लगाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ज़्यादा क्लिक हो गए तो इनवैलिड क्लिक हो जाते हैं और आपका जो एडसेंस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे जो है लेकिन वो चीज़ आपको फेस करने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके क्लिक हो रहे हैं तो आपका ट्रैफिक जो है वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी जगह बार भी क्लिक होने के बाद अगर कोई खरीदारी होती है तो कमीशन आपको डेफिनेटली उसका मिलने ही वाला है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।